दोस्तों, क्षेत्र में लगातार फैल रही कोरोना महामारी को रोकने के लिए वैसे तो पूरा सरकारी तंत्र ही दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच एलनाबाद के नायब तहसीलदार पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाने में लगे हुए हैं, जिसके सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों एलनाबाद के उपमंडल कार्यालय परिसर में स्थित SDM कार्यालय, तहसील कार्यालय व ई दिशा केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया था, जिस दौरान उपमंडल कार्यालय, तहसील कार्यालय व ई दिशा केंद्र के करीब 18 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उन सबको स्वास्थ्य लाभ के लिए होम आइसोलेट कर दिया गया था, जिसके चलते इन कार्यालयों में स्टाफ कर्मचारियों की भारी कमी हो गई और तीनों ही कार्यालयों में कामकाज ठप होकर रह गया और उपमंडल क्षेत्र के लोगों को अपने सरकारी कामकाज करवाने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच एलनाबाद के नायब तहसीलदार और ड्यूटी मजिस्ट्रेट अजय चौहान पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी पर डटे हुए हैं। कोरोना के इस प्रचंड होते रूप को और अधिक विकराल होने से रोकने के लिए वे हर रोज न केवल एलनाबाद शहर की सड़कों पर उतरकर लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए समझाते हैं, बल्कि सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित करने उनके हर छोटे बड़े कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं। अपने शांत स्वभाव के चलते वे जब लोगों के बीच जाते हैं तो कहीं कहीं उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन वे अपनी पूरी क्षमता के साथ अपनी भूमिका निभाने में लगे हुए हैं। आज भी उन्होंने अग्निशमन विभाग की सहायता से पूरे उपमंडल कार्यालय परिसर में स्थित SDM कार्यालय, तहसील कार्यालय और ई दिशा केंद्र को सैनिटाइज करवाया ताकि यहाँ से कोरोना संक्रमण समाप्त हो जाए और जल्द से जल्द ये सभी कार्यालय खुलकर लोगों को अपनी सेवाएं देनी शुरू कर सके। एक हफ्ते के लिए जो लॉकडाउन और एक्सटेंड हुआ है अभी, जिसको सुरक्षित हरियाणा नाम से सरकार ने दिया, जो कि एक पॉजिटिव टर्म है लॉकडाउन, जो कि एक नेगेटिव टर्म लगती थी, और उसी के अनुपालना में हम शहर के चक्कर भी लगा रहे हैं, गाँव में भी जा के लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम। और इसी सिलसिले में, क्योंकि हमारे यहाँ तहसील और SDM ऑफिस में जो कोविड पॉजिटिव केसेस आ गए थे, तो एक बार फिर से हमने ई दिशा केंद्र को सैनिटाइज दोबारा कराया है। तहसील कार्यालय और SDO ऑफिस सभी को सैनिटाइज कराया जा रहा है ताकि हम जल्द ही लोगों की सेवाओं के लिए जो हमारी सर्विसेज है वो एक्सटेंड कर सकें। और जो पॉजिटिव है उनको दोबारा बोला गया कि भाई आप अपने दोबारा से टेस्ट कराए जिनकी तबीयत ठीक है, ताकि अगर वो नेगेटिव आने के हालात में उनको फिर से काम से, उनसे जो पब्लिक सेवाएं हैं वो फिर से प्रारंभ की जा सके। लोगों से मेरा यही निवेदन है कि लोग कम से कम अपना घरों से बाहर निकले, जब तक कोई ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कार्य ना हो तो बाहर ना निकले, और जब भी निकले वो कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं, 2 गज की दूरी और हाथों को बार बार सैनिटाइज करना, वो सब गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही वो घरों से बाहर आए, अदरवाइज़ वो अपने घरों पर ही रहे। यही कोरोना को स्प्रेड होने के रोकने के लिए एक यही एक मात्र इलाज हमारे पास अभी है। बाकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो अपने 100% कैपेसिटी पे काम कर रही हैं, और बस ज़रूरत ना पड़े मेडिकल फैसिलिटीज़ लेने की, आप घर पे रहोगे तो हमारे लिए भी आसान रहेगा और लोगों के लिए भी ये ठीक रहेगा। सर, ये तहसील ऑफिस और ई दिशा केंद्र कब तक अपना सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देंगे? जैसे कि मैंने बताया, हमारे यहाँ पे तहसील सर्विस सेंटर में 4 ऑपरेटर थे और SDM ऑफिस से जैसे जो लाइसेंसिंग वगैरह काउंटर पे बैठते थे उनमें से मोस्टली पॉजिटिव आए थे हमारे पास। जैसे 4 में से हमारे 3 थे, 2 SDO ऑफिस की तरफ से जो काम करे लाइसेंसिंग में उनकी तरफ से पॉजिटिव आ गए थे। तो उसी सिलसिले में, क्योंकि हमने 20 तारीख को वो पॉजिटिव जो टेस्ट लिए थे, 20 तारीख को उनका सैंपल पॉजिटिव आए थे, उनका भी जैसे पीरियड थोड़ा 14 डेज का वो ऑफ भी हो चुका है, और जिनकी हालत ठीक है, जिनकी तबीयत ठीक है, हमने उनको डायरेक्ट किया कि भाई आप अपने नज़दीकी जो भी उनकी फैसिलिटीज़ हैं मेडिकल, वहाँ पे वो अपने टेस्ट दोबारा से कराएं, और फिर से अगर वो नेगेटिव आते हैं तो वो फिर से हमारे यहाँ पे कार्य करने के लिए ज्वाइन किए। उसके अनुपालना में हम अपनी जो सर्विसेज है वो स्टार्ट करेंगे फिर से। बाद में नायब तहसीलदार अजय चौहान ने दोपहर की चिलचिलाती धूप के बावजूद शहर के अंबेडकर चौक, पंचमुखी चौक और उद्धम सिंह चौक में लगे पुलिस नाकों पर जाकर वहां ड्यूटी दे रहे कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाया। वहीं कोरोना से बचाव के लिए लोगों को मास्क वितरित किए और कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले लोगों के चालान भी काटे। दोस्तों, आपदा की इस घड़ी में प्रशासन से जुड़े लोग कई कई दिनों तक अपने परिवारजनों से दूर रहकर हम सबको कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं।
समाज सेवी लोग और संस्थाएं आगे आकर प्रशासन का सहयोग कर रही है। आप केवल अपने घर पर परिजनों के बीच रहकर प्रशासन का सहयोग करके अपनी व अपने परिवार की जिंदगी को बचा सकते हैं। हम हर छोटी बड़ी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियां आपको घर बैठे उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक हर तरह के ताज़ा अपडेट के लिए आप देखते रहिए केवल चैनल डी। धन्यवाद।